अन्नदाता की जय बोलकर ठगा जा रहा है अन्नदाता को। आप देख रहे हैं ये ककनार धान खरीदी केंद्र है और धान खरीदी केंद्र में किस तरह से किसानों को ठगा जा रहा है, किस तरह से धत्ता दिखाया जा रहा है आप देख सकते हैं। एक और डाल, कितने बोरे डाल रहे हो? और डाल, बोरे कितने डाल रहे हो? एक्स्ट्रा बोरे लेके और डाल, और वाह, तीन तीन बोरों में एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये सारी बोरियां ऐसे ही भरी गई हैं। एक बोरी और लाओ, बोरी उतार दे, सारी उतार दे। क्या है अब बोरी रख, कितनी कितनी बोरी रख रहा है बताना? एक एक और रख, अभी दो, एक और रखना, बोरी बोरी निकालो निकालो बोरी निकालो। अन्नदाता अब अन्न उगाते हुए चार महीने लगते, चार महीने की कब मेहनत, जी तोड़ मेहनत अन्नदाता अपना अन्न उगाता है। और वही अन्न जब वो धान मंडी में बेचने को आता है तो दो दो किलो के हिसाब से ज़्यादा ले लिया जाता है। पूरा घर पूरा परिवार चार महीने की इतनी मेहनत करता है, उस मेहनत का आखिर कस निकालते हैं तो ये लैंप के प्रभारी, ये एक यहाँ पर लैम्प्स के प्रभारियों ने माफियाओं का धंधा खोल रखा है। मैं सभी लैम्प्स प्रभारियों का नाम नहीं लेता कि ईमानदार भी होते होंगे, लेकिन जिस लैम्प्स पे मैं खड़ा हूँ, जो अभी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिंता के नाम से ककनार में है चल रही है और उसी के अंदर फिलहाल मैं हूँ। आप मेरे सामने पीछे का घर से देख सकते हैं, ये बोरे हैं और इन्हीं बोरों पर किसानों से 40 किलो के तो ये वजन किया जा रहा है, उसके उपरांत तीन बोरे और डालते हैं तब जाके यहाँ पर ये तौल इनका पूरा होता है। ये यहाँ पर खुलेआम माफिया गिरी का धंधा चल रहा है और इसी धंधे के में कितने लोग लिप्त हैं ये तो आने वाले भविष्य के गर्भ में और जांच होने के बाद ही पता चला जाएगा। लेकिन किसानों की, गरीब किसानों की सरकार से और यहाँ के अधिकारियों से यही गुहार है कि महाराज हम तो कार्य कर रहे हैं हमारे खेतों में, हमारे घरों में, हम हमारा घर का भी कार्य करते हैं, हमारे खेतों में भी कार्य करते हैं और हम हमारा परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए खेती भी करते हैं। और खेती का जो कस होता है, जो कमाई का स्रोत्र होता है, वो ये लैंप को खा जाते हैं। यही मामला देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस तरफ, और ये जूता यहाँ से पूरे के पूरा यानी जूते के नाम पे तीन बोरे एक्स्ट्रा लगभग 1.5 से 2 किलो वजन होता है और ये वो यहाँ पर तोला जाता है।
एक ऐसा माफियागिरी का धंधा और कितने दिन चलेगा ये तो आने वाले समय के गर्भ में। लेकिन फिलहाल एक किसान है और किसान से बात करना चाहेंगे, किसान से पूछना चाहेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? परमेश्वर। कौन से गांव के हो तुम? चंदेला। चंदेला, ये तुम 40 किलो से 2 किलो या 1.5 किलो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? जाता है झुकती तो बराबर करने नहीं होता है, अधिक बराबर करने नहीं होता है, यानी ग्रामीणों को आखिरकार दहशत दिला दी जाती है, पहले आप दोगे तो नहीं तो आपका धान नहीं लिया जाता है। और कम पढ़े लिखे लोगों में सबसे बड़ी यही तकलीफ आती है, क्योंकि ये क्षेत्र वो है जो यहाँ पर, ये देखिए ये लड़के की उम्र 19 से 20 साल के लगभग होगी और यही कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनके अंदर वो डर का माहौल वो पैदा हो जाता है कि हकीकत में कहीं ना कहीं मेरा धान नहीं लिया जाएगा। इनके लिए एक पटवारी भी कलेक्टर जैसा होता है। आप समझ सकते हैं जो ये अभी मैं खड़ा हूँ, ये दूर नक्सल इलाका है, यहाँ पर आप CRPF के चारों तरफ कैंप लगे हुए हैं और यहाँ पर एक तो नक्सल ऊपर से अधिकारियों की या ऐसे जो लैंप प्रभारियों की माफियागिरी के चलते लोगों में डर का माहौल होता है। लैंप में कंप्यूटर ऑपरेटर लोहित कुमार पांडे यहाँ पर अभी खड़े हैं और मैं थोड़ा सा उनसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि फिलहाल उन्हीं के जरिए से ये बताते हैं। और लोहित जी, आपके सामने इतना हो रहा है और आप अपनी आंखों में, आप भी किसी ना किसी ऐसे ही परिवार से आते होंगे, आपको कितना यार ऐसा क्यों करवा रहे हो आप किसानों के साथ में, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी आंखों के सामने हुआ, मैंने कोई तुलवाया नहीं, ये आपकी आंखों के सामने आपने देखा, ये क्यों हो रहा है, इसके इसके पीछे का कारण क्या, किसके निर्देश पे हो रहा है? आप अपनी जेब में डालने के लिए, आप जेब में नहीं डालोगे, किसी का निर्देश नहीं होगा तो ये चुपक किसके लिए? फिलहाल ये महोदय भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि अब कोई किसान होता है ना धान बेचने के लिए, किसी ने यह सोच रखा होगा कि मेरी बेटी की शादी करूंगा, कोई सोचता है धान बिकने के बाद मेरे बेटे की शादी करूंगा, कोई चाहता है मेरा घर बनाऊंगा, लेकिन उनका घर कब बनेगा, उनकी शादियाँ कब होगी। लेकिन ऐसे लोगों का घर भी बन जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती। आखिरकार सरकार से, जिला कलेक्टर से यही गुहार करते हैं मीडिया के माध्यम से कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और कौन सा गांव है? चंदेला। और ये अभी कहां पर आए हुए? ककनाथ। यहाँ पर क्या करने आए? धान बेचने। और यहाँ पर आपका धान कितना लिया जा रहा है? 1.5-2 किलो जा रहा है। 1.5-2 किलो ज्यादा जा रहा है एक्स्ट्रा। आपने इसकी शिकायत की थी? नहीं। ये 1.5-2 किलो धान तो आपसे 4 महीने की मेहनत है और मेहनत का ये धान ये लोग ज्यादा ले रहे हैं और आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? नहीं, सब दे रहे हैं तो हम लोग एक दो छोटा किसान क्या मुँह लड़ाएंगे, यानी ये सब का इतना तो 2-3, 2.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो ज़्यादा ये ले रहे हैं क्या? युक्ति तो देना ही पड़ता है, बोल रहे हैं युक्ति देना पड़ता है, ये कहीं कंपलसरी लिखा हुआ है यहाँ पर कहीं पर आपको किसी नियम के अंदर? नहीं। कौन सा गाँव है सुदर्शन जी? सेठिया साहब, ककनार। यहाँ पर खरीदी प्रभारी आप हैं जी? यहाँ पर आपके सामने अभी 40 किलो का बोरा, उसके उपरांत 2 किलो एक्स्ट्रा धान लिया जा रहा है, ये किसके निर्देश पे लिया जा रहा है? काटा कर समय किसी में ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। किसी में आपके सामने मैं 10 बोरे तुलवा लेता हूँ और हमने बोरे तुलवाए भी है, वीडियो भी रिकॉर्ड है, और उसमें जितने बोरे तोले गए हैं उनमें 3-3 बोरे एक्स्ट्रा, खाली बोरियां 3-3 एक्स्ट्रा डाली गई है, वो किसके दिशा निर्देश पे हो रहा है? किसी का नहीं है सर, लेकिन सर काटा करता हूँ ना उस समय साइड में किसान को ही खड़े करता हूँ, साइड में जो अपने लेबर किसान को खड़े करते, किसान अपने मुंह से बोल रहा है 1.5-2 किलो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, ये आप अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हो? नहीं सर। या किसी अधिकारी का निर्देश है? नहीं सर। क्या किसी अधिकारी को पैसा देना पड़ रहा है? नहीं सर। आप अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हो? नहीं सर। तो ये किसके मार्फत किया जा रहा है? सर जल्दी उस कारण हो जाता है क्योंकि ज्यादा बोरा होने का ऐसा कारण, एक बोरे में मान लिया, दो बोरों में मान लिया, हर एक बोरे में ऐसा कौन सा कारण बैठ रहा है श्रीमान महोदय, ये जवाब दीजिए आप। फटाफट कारण है सर, नहीं तो फटाफट कारण नहीं, फटाफट आपकी जेबें भरने और करोड़पति बनने का कारण है? नहीं। सुक्ति लेने का नियम है कि नहीं है? नहीं बोले हैं। कौन से कहीं नियम में प्रावधान दिया गया है कि नहीं है? जब आप लैंप्स का यहाँ पे लाइसेंस लेते हैं, लैंप्स जब अपने नाम पे करवाते हैं, जब यहाँ का अनाज मंडी आप चाहते हैं कि यहाँ का हम लेंगे, तो क्या वहाँ पर उसमें दिशा निर्देश और फॉर्म के अंदर ये होता है कि आप सुक्ति लेंगे 2 किलो एक्स्ट्रा? नहीं।
तो फिर ये क्यों लिया जाता है, गरीब किसानों को क्यों ठगा जाता है? ठगने का सही है, ये खुले आम है, ठगने का नहीं है, तो फिर इससे क्या किसी को चाकू मारोगे आप? अब हमारे संवाददाता लोहंडीगुड़ा एसडीएम के पास पहुंचे तो लोहंडीगुड़ा एसडीएम ने भी कार्रवाई ना करने का बहाना बना दिया और बोला मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, अब मैं इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकता। कितने दिन चलेगा ये?